हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेडकेम क्लासेस में, हमारे मतलब मेरे और आपके चैनल मेडकेम क्लासेस में। तो आज हम जो है केमिकल काइनेटिक्स को कंटिन्यू करेंगे, और केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने जो है थोड़ा रेट के बारे में जाना था कि रेट क्या होता है। उससे रिलेटेड हमने एक प्रॉब्लम भी किया था कि अगर मैं सिर्फ जो है रेट और कंसंट्रेशन की वैल्यूज दे रखी हो, डाटा दे रखा हो, तो वहां से ऑर्डर कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो उसी पर हम आगे बढ़ते हैं और एक दो एग्जाम्पल्स हम जो है फिर करके देखते हैं कि आखिर उनको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, अगर मैं एक मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, एग्जाम्पल कुछ हमारा ऐसा है, द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज गिवन बाई आर इज इक्वल टू के ए इंटू बी। ठीक है, ये दिया हुआ है, इफ सडनली the volume of the container is reduced to 1/4, okay, then what will be the rate? ठीक है भाई, तो प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, एक हमारा कुछ जो भी रिएक्शन उसके लिए रेट का एक्सप्रेशन दे रखा है, रेट इक्वल टू के ए इनटू बी। मतलब क्या है, जो रेट है या रिएक्शन जो भी है, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और बी के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, और दिया हुआ कि जो वॉल्यूम है कंटेनर का सडनली 1/4 कर दिया जाता है उसके इनिशियल वॉल्यूम का, तो उसके रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो नया रेट होगा वो उस रेट और इस रेट में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करना है। इसके मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो हमें सॉल्व कुछ ऐसे करना है। मान लीजिए ये जो भी रेट दे रखा है, ये रेट को मैं R1 मान लेता हूं, R1 इक्वल टू K A इनटू B दे रखा है। ठीक है भाई, तो मैं K को क्या लिख सकता हूं, सॉरी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन जिस कंटेनर में है भाई जी, या फिर जितना इसका वॉल्यूम है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी और जितना भाई वॉल्यूम है कंटेनर का वो। ठीक है, तो ये देखिए अब क्या है, अगर मेरा जो दूसरी रिएक्शन हो रही है या फिर जो भी दूसरी कंडीशन दे रखी है उसमें क्या कर रखा है भाई, वॉल्यूम को 1/4 कर रखा है। ठीक है, तो अगर मैं रेट 2 की बात करता हूं, R2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कि नंबर ऑफ मोल्स तो वही है और वॉल्यूम को मैंने क्या कर दिया है, V4 कर दिया गया है। ठीक है, यहां पर भी क्या किया गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी तो वही है, वॉल्यूम को इनिशियल वॉल्यूम का 1/4 कर दिया गया है। तो यहां से क्या होगा, देखिए अगर मैं यहां से यहां जाऊं तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और क्या होगा भाई, ये तो यहां पे जो भी R2 हो जाएगा, K यहां पे हो जाएगा भाई 4 Na upon V, और इधर क्या हो जाएगा 4 Nb upon V। ठीक है भाई, तो यहां से 4 को मैं बाहर निकालता हूं, यहां से भी 4 को बाहर निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा 4 into 4 K Na upon V और ये Nb upon V। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 16 K, इसको मैं लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ A, इसको मैं लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ B, क्योंकि यही हमारा था। और देखिए जो ये वैल्यू है, जो इतनी वैल्यू है K A into B, यही तो हमारा क्या था, R1 था, यही हमारा क्या था, R1 था, जिसको हमने R1 मान रखा है। तो यहां से क्या पता चलेगा, यहां से R2 इज इक्वल टू 16 R1। ठीक है भाई, मतलब अब जो है रेट क्या हो जाएगा, पहले वाले रेट का 16 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो आखिर ये इफेक्ट कैसे पड़ा, तो देखिए एक्चुअली क्या है ना, एक्चुअली हम यहां पे अगर वॉल्यूम को रिड्यूस कर रहे हैं तो वॉल्यूम रिड्यूस करने से क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि ए के तो मोल्स फिक्स हैं, बी के भी मोल्स क्या है भाई, फिक्स है। ठीक है, लेकिन सिर्फ क्या कर दिया गया, वॉल्यूम को 1/4 कर दिया है, तो कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर। अब जहां पे जो था, अगर मान लीजिए मैं कहूं 4 लीटर वॉल्यूम में जो भी मोल थे, तब वहां पे वॉल्यूम क्या रह गया, अब सिर्फ 1 लीटर रह गया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है पर यूनिट वॉल्यूम जो है बढ़ गया, इसलिए क्या हुआ भाई, उसका रेट बढ़ गया, क्योंकि रेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को ऐसे करना है, इजी प्रॉब्लम्स है और इनमें के प्रॉब्लम्स आ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे करना है। अगर मैं एक और प्रॉब्लम लिखता हूं इसी पे, तो वो देखिए यहां पे मैं डायरेक्ट कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिख दूंगा, देखिए मैं रिएक्शन को मैं यही ले लेता हूं। ठीक है, किसी रिएक्शन का जो है रेट जो है क्या दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर
और बी दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी एक रिएक्शन है जिसके लिए रेट का एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2 और बी की पावर 1, मतलब रिएक्शन क्या है, ए के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है और बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। और मैं यहां लिखता हूं यहां पे, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ इज रिड्यूस्ड टू हाफ, ठीक है, देन व्हाट विल बी द न्यू रेट। ठीक है भाई, तो प्रॉब्लम सेम ऐसा ही है, अब हमारा एक्सप्रेशन बस बदल गया है, लेकिन यहां पे अब सीधा क्या बोल दिया, कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है, ठीक है। उसमें वॉल्यूम को 1/4 किया था, इसमें कंसंट्रेशन को हाफ किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका भी सॉल्यूशन कुछ ऐसा ही होगा, कैसा होगा भाई, आर वन का मान लेता हूं मैं के ए स्क्वायर और बी, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है मुझे, अगर मैं आर टू रखूंगा, केस जो मेरा टू है, तो यहां पे क्या हो रहा है, देखिए रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो है एक रिएक्शन के लिए फिक्स होती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर अगर मैं दो रिएक्टेंट लेके रिएक्शन को करा रहा हूं तो वो उसका रेट कॉन्स्टेंट फिक्स रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा अगर कंसंट्रेशन चेंज किया जाए तो, क्योंकि रेट कॉन्स्टेंट जो होता है कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि सिर्फ जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो यहां पे क्या करना है, अब यहां पे हमें क्या कर देना है, a बाई टू हो गया इसका कंसंट्रेशन, ठीक है, और यहां पे क्या हो गया भाई, b बाई टू हो गया इसका कंसंट्रेशन। तो देखिए यहां से मैं 1 बाई टू की पावर 2 बाहर कर सकता हूं क्या, k 1 बाई टू की पावर 2 और यहां पे a और यहां पे 1 बाई टू बाहर हो जाएगा और ये b, तो ये क्या हो गया, k इंटू ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 और ये a और ये b, या फिर मैं इसी को कैसे लिख सकता हूं, ये 1/8 के ए और बी, और यही मेरा टर्म क्या है, ये मेरा टर्म क्या था भाई, सॉरी ये स्क्वायर आ जाएगा यहां पे, तो यहां पे क्या हो गया भाई, ये मेरा यही तो था इनिशियल रेट, यही तो था R1, तो यहां से क्या आ गया भाई, R2 इज इक्वल टू 1/8 R1, तो ये इसके बीच रिलेशन रहा। तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होंगे कंसंट्रेशन और वॉल्यूम चेंज को तो आप उसको ऐसे कर लोगे, ठीक है। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीजों को सीखते हैं। तो देखिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक नई चीज, मतलब एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। उससे भी प्रॉब्लम्स कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो होता इजी है लेकिन उसको समझ लेते हैं आखिर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है भाई। अब हमें जो चीज समझनी है वो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, जिसको कि हम जाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है, एक्चुअली एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हमें रिएक्शन के मोशन के बारे में बताता है कि रिएक्शन आखिर कहां तक पहुंची है और इसका एप्लीकेशन क्या है, उसको भी हम अभी जानेंगे। तो पहले अगर इसके लिए मैं बात करूं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता है इज इक्वल टू चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड कोफिशिएंट, ठीक है भाई। तो देखिए इसको एक्चुअली हम लिखते कैसे, अगर इसको हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म के दोनों के टर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं एक रिएक्शन लिख लेता हूं, जैसे ए ए गिव्स बी बी प्लस सी सी, ठीक है। तो अगर इसके लिए मैं लिख, अगर मैं बात करूं कि मुझे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के टर्म एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो इसको देखिए यहां पे लिखना होगा मुझे माइनस डेल्टा एन ए, मतलब ए के नंबर ऑफ मोल्स के चेंज के साथ मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है इसके टाइम के साथ इसका नंबर ऑफ मोल क्या होगा, कम होगा, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे यहां क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, जो भी उसका पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ठीक है। और डेल्टा अपन ए डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका एक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा भाई, एन बी डेल्टा अपॉन बी इज इक्वल टू डेल्टा एन सी अपॉन सी, ठीक है भाई। तो इसको ऐसे हम जो है डिफाइन करेंगे, जितना भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय क्या कर दो, बी कर दो, मतलब सॉरी उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो आखिर इसका जो है एप्लीकेशन क्या है, तो देखिए ये जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए थोड़ा ज्यादा यूजफुल होता है। किसके लिए भाई, रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए क्यों यूजफुल होता है,
अगर मान लीजिए मेरा, अगर मैं रिएक्टेंट के लिए लिख रहा हूं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, अगर मैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की अगर मेरी वैल्यू जो है अगर पॉजिटिव आ रही है, ठीक है पॉजिटिव आ रही है, तो यहां से क्या पता चलता है, मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, रिएक्शन कहां जा रही है भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन अगर अगर मेरा किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन अगर मेरा नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या है भाई, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ये जो होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए ज्यादा यूजफुल होता है, तो उसको हम जो है कि मैं ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता रिवर्सिबल रिएक्शंस के, अभी हम बाद में जाएंगे तो हम जानेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हमारी रिएक्शन क्या है, ये इरिवर्सिबल है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन फिर भी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो टर्म है ये हमें क्या बताता है, यहाँ से हमें काफी जानकारी मिलती है, और ये हेल्प काफी हेल्पफुल होता है कब, अगर मुझे प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन को पता करना हो, या फिर किसी एक की कंसेंट्रेशन चेंज या नंबर ऑफ मोल्स चेंज दे रखा हो, बाकी सबका नंबर ऑफ मोल चेंज पूछे, तो वहां पे ये यूजफुल होता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, तो देखिए अगर मैं एक एग्जांपल रिएक्शन लिख दे रहा हूं, मैं 2A क्या देता है भाई, B प्लस सी मुझे देता है, और यहां पे इसका t बराबर 0 पे मैं जो A की कंसेंट्रेशन दे रखी है वो दे रखी है, सॉरी अमाउंट 2 मोल दे रखा है, t बराबर 0 मतलब इनिशियल टाइम पे, और t बराबर t पे क्या दे रखा है, इसकी जो है 0.5 मोल ये बचता है, ठीक है भाई। तब यहां से क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ B एंड C एट टाइम t, ठीक है भाई, टाइम टी पे जो है इसका अमाउंट पूछा है। तो यहां से देखिए हमें जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैसे हेल्प करती है, तब सबसे पहले तो हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो है कैलकुलेट करते हैं, किसके लिए भाई, ए के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो ए के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एन ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा भाई, 2, जो कि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और माइनस डेल्टा एन ए क्या होगा, माइनस आगे लगा दो, मतलब एन फाइनल, एन फाइनल में क्या 0.5 माइनस इनिशियल क्या है 2.0 मोल डिवाइडेड बाई इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, ठीक है। तो यहां से देखिए इसकी जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आएगी वो आ जाएगी 0.75, ठीक है। और अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो इसका यूनिट क्या आएगा भाई, इसका यूनिट आएगा मोल, क्योंकि यहां पे जो डिफरेंस है ये तो मोल में, ये तो मेरा वैल्यू है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यहां से इसकी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आ गई इतने मोल, और ये क्या होगी, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ए के लिए भी यही होगी, बी के लिए भी यही होगी, सी के लिए भी यही होगी, ठीक है। और इसका ये एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे, बी और सी का कैलकुलेट करने में कंसेंट्रेशन, वो देखिए। तो अगर मैं बात करूं अमाउंट ऑफ बी एट टाइम टी, ठीक है भाई, तो देखिए अगर मैं इसके स्टोइकोमेट्री, सॉरी अगर इसके मैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की बात करता मैं बी के टर्म में, तो क्या आता भाई, डेल्टा एन डिवाइडेड बाई क्या आता भाई, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका एन है, ठीक है, सॉरी एक है। तो यहां से अगर मैं डेल्टा एन कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा, बी मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। और मेरा जो ये जाई बी है, जाई बी क्या है, यही है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं जाई ए इज इक्वल टू जाई बी इज इक्वल टू जाई सी, कुछ तीनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो यहां से जाई बी क्या है मेरा, 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो क्या हो जाएगा भाई, 0.75 मोल हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे मैं सी में जो है स्टोइकोमेट्री चेंज कर देता हूं, मैं सॉरी 2 कर देता हूं, ठीक है। तो अगर मैं जो है सी का अमाउंट पता करूं, अमाउंट ऑफ सी, सी एट टाइम टी, तो कितना हो जाएगा भाई, ये डेल्टा एन सी, देखिए डेल्टा एन ही यहां पे इनका अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एन ही क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विच आर गोइंग टू चेंज, और यहां पे इनिशियली कुछ है ही नहीं, तो जितना भी चेंज आएगा वही क्या हो जाएगा, इनका अमाउंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसके लिए जीटा की वैल्यू कितनी है, जाई की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई इसका भाई 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 1.5 यूनिट आ जाएगी मोल, ठीक है। तो देखिए
एक्चुअली जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है ये सिर्फ मैथमेटिकल तरीका है पता करने का प्रोडक्ट कितना होता है। हम तो यहां से भी पता कर सकते हैं इसके कितने मोल बनेंगे, और वो कैसे पता कर सकते हैं देखिए, अगर यहां पे बात किया जाए तो 0.5 मोल बचा है, मतलब क्या भाई इसका 1.5 मोल रिएक्ट कर चुका है। ठीक है, हमें यहां से स्टोइकोमेट्री से पता चल गया कि इसके दो मोल से इसका एक मोल बनता है, इसका जब दो मोल रिएक्ट करता है तब इसका एक मोल बनता है, तो इसके 1.5 मोल रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा भाई 0.75 मोल ही बनेगा। ठीक है, और यहां पे इसके 2 मोल से यहां पे 2 मोल बनता है तो इसके 1.5 मोल से इसका 1.5 मोल बनेगा। ये तो हमें सिर्फ स्टोइकोमेट्री देख के ही पता चल गया, लेकिन एक मैथमेटिकल तरीका है चीजों को कैलकुलेट करने का जो कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है। तो यहां से मैंने आपको ये प्रोडक्ट की कंसर्न मतलब अमाउंट पता करवाया, लेकिन रिएक्शन में कभी कभी सीधा देता है कि रिएक्शन का एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो इसको जो है ऐसे ही कैलकुलेट करना है। एक छोटा सा और एग्जाम्पल देके हम देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं यहां पर एक प्रॉब्लम लिखता हूं कि ए प्लस 2b गिव्स कितना भाई 2z, ठीक है 2z मिलता है, और यहां पे दिया क्या हुआ इनिशियली टाइम t बराबर 0 पे, जब मतलब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, मतलब जब मैंने इनिशियल अमाउंट इसका कितना दे रखा है भाई 1.4 मोल। ठीक है, इसके लिए दे रखा है 2.8 मोल, और इसका जो है 0 है, कुछ नहीं है। ठीक है, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, तो अब रिएक्शन हो रही है तो दे रखा है कि टाइम कुछ टाइम बाद जो है ए की कंसंट्रेशन मेरी 0.7 मोल हो जाती है, कंसंट्रेशन नहीं अमाउंट इसका 0.7 मोल हो जाता है, इसका जो है नहीं दिया हुआ है, और इसका भी हमें पता करना है कितना हो जाता है। तो यहां से हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एंड अमाउंट ऑफ B and Z at time t। ठीक है भाई, मतलब टाइम t पे मुझे B और Z का अमाउंट पता करना है और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पता करनी है। तो देखिए, जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होती है वो पूरे रिएक्शन की एक्सटेंट होती है, आप किसी एक का डाटा यूज करके वहां से एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे हमें दोनों डाटा जो है A के लिए दिया हुआ है, तो हम A के डाटा के हिसाब से जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। अगर यहां पर मैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एन ए डिवाइडेड बाई जो भी इसका स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे माइनस डेल्टा एन ए कितना है, माइनस इन कितना था भाई पहले 0.7 हो गया फाइनल, माइनस 1.4 मोल डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट इसका सिर्फ 1 है। तो यहां से जो भी मेरा रिएक्शन की वैल्यू आई एक्सटेंट की वो कितनी आ गई 0.7 आ चुकी है। ठीक है भाई, अब यहां से जो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन तो इतनी आ गई रिएक्शन के लिए, और आगे यूनिट क्या हो जाएगी इसकी मोल। अब बात करें हमें B और Z का अमाउंट पता करना है, तो देखिए हमें फॉर्मूला पता है, अगर मैं यहां पे Z के लिए पहले अप्लाई करता हूं, अगर मैं पहले Z के लिए अप्लाई करूं तो डेल्टा एन जेड क्या होगा, डेल्टा सॉरी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जेड के रिस्पेक्ट में क्या होगी, डेल्टा एन जेड डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका जितना है 2। ठीक है, तो यहां से अगर मैं डेल्टा एन जेड पता करता हूं तो क्या हो जाएगा 2 into zeta, sorry, xi। ठीक है, तो यहां से डेल्टा एन जेड कितना आ जाएगा, हमें पता है 2 into, और xi कितना हमने कैलकुलेट किया है 0.7, जो कि सबके लिए क्या है बराबर है मोल। तो यहां से इसकी वैल्यू आई डेल्टा एन जेड कितना आ गया भाई 1.4 मोल। तो देखिए ये जो डेल्टा एन जेड आया है मतलब क्या जेड के मोल्स में चेंज, तो इनिशियली तो जेड कुछ था ही नहीं और चेंज कितना है 1.4 मोल का, मतलब ये क्या है टोटल जेड जितना फॉर्म हुआ है वही है अमाउंट। ठीक है भाई, तो यहां पे इसका कितना अमाउंट आ जाएगा यहां पे 1.4 मोल। अब हमें पता करना है बी का अमाउंट टाइम टी पे, तो देखिए हम यहां से अगर बी के लिए कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ चेंज, तो यहां से क्या होगा, देखो अगर मैं यहां से ई के लिए बात करता हूं बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, माइनस डेल्टा एन बी अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2। अगर यहां से मैं माइनस डेल्टा एन बी कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा भाई 2 into xi, या फिर क्या हो जाएगा 2 into 0.7, कितना हो जाएगा भाई 1.4 मोल। मतलब क्या है देखिएगा, यहां पे बी के मोल्स में चेंज कितने का है 1.4 का आया है, बी के मोल्स में चेंज कितने का आया है 1.4 का आया है, और ये 1.4 क्या है इसका अमाउंट इतना डिक्रीज हुआ है, ये माइनस डेल्टा एन बी का क्या है वैल्यू 1.4 है मोल है, मतलब क्या है 1.4 मोल बी का रिएक्ट कर गया है।
अगर ए बार प्रोडक्ट किया थी तो प्रोडक्ट का फॉर्म हो गया, और बी के लिए क्या हो गया भाई, रिएक्ट कर गया है। तो अगर मुझे इस टाइम पे बी का अमाउंट पता करना हो तो दिया हुआ है 2.8, जिसमें से रिएक्ट कर गया है 1.4, तब कितना बचेगा, एन बी एट टाइम टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 2.8 तो मेरा पहले से था, माइनस ये कितना हो जाएगा 1.4 मोल जो कि रिएक्ट कर गया है, तो यहां से कितना आ जाएगा भाई 1.4 मोल आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, वैल्यू 1.4 मोल लिख सकता हूं। तो इसको आप देखो सिंपली स्टोइकोमेट्री से भी कर सकते हो, कैसे, मुझे पता है इसके एक मोल इसके दो मोल से रिएक्ट करता है, हाँ या ना, तो यहां से जब 1.4 से 0.7 पे आए तो कितना रिएक्ट हुआ, 0.7 रिएक्ट किया, तो इसके जब एक मोल से इसका दो मोल रिएक्ट करता है तो इसके 0.7 से कितना रिएक्ट करेगा, 1.4 मोल ही रिएक्ट करेगा। लेकिन क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का एप्लीकेशन यही है, मैथमेटिकली जो है इसको ऐसे यूज करते हैं, इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूं। तो होप आपको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गई होगी, और हम जो है आगे बढ़ते हैं और एक काम की और चीज पढ़ते हैं, और वो काम की चीज क्या है भाई, वो काम की चीज है लिमिटिंग रिएजेंट की, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, तो थोड़ा उसको भी ध्यान से देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे जो मेरे ऑर्डर्स होंगे कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस की तरफ मूव करेंगे हम। ये अगली चीज क्या है भाई, हमें पढ़नी है लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहले हम जो है समझ लेते हैं कि आखिर लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, बाकी डेफिनेशन तो हम बाद में भी लिख लेंगे। लिखता हूं जो सबको, सब जानते हैं इसको, N2+3H2 gives 2NH3, ठीक है भाई। तो अब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए मैंने इसका इनिशियली जो है इसका मैंने 10 मोल ले लिया है, इसका मैंने 10 मोल ले लिया है। तो यहां से देखिए स्टोइकोमेट्री हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, इस रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री है 1, 3, 2, मतलब क्या, N2 का एक मोल H2 के तीन मोल से रिएक्ट करेगा और अमोनिया के दो मोल हमें देगा। तो हमें जो है स्टोइकोमेट्री सिर्फ यही बताती है, सिर्फ रिलेशन बताती है, इसका एक मोल इसके दो मोल से रिएक्ट करेगा और इसका, सॉरी, इसका एक मोल इसके तीन मोल से रिएक्ट करके इसका दो मोल हमें देगा। तो अब देखिए अगर इसका जब मुझे 10 मोल दिया हुआ है, इसका 10 मोल से कितने, इसका कितना रिएक्ट करेगा, इसका जो है 30 मोल रिएक्ट करेगा और इसके कितने मोल देगा, 20 मोल देगा। क्यों, क्योंकि इसके एक मोल से इसका जो है तीन मोल रिएक्ट करता है और इसके दो मोल देता है, इसलिए, ठीक है। तो 10 से इसका 30 रिएक्ट करके इसका 20 देगा। तो अब मान लीजिए अगर मैं इसका 10 मोल और इसका 30 मोल लूं, अगर मैं पूछूं कि अगर मान लीजिए मुझे क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ठीक है, रिएक्शन दिया हुआ है कि 10 मोल N2 है और क्या भाई 30 मोल H2 है, तो मेरा अमोनिया कितना बनेगा, अमोनिया कितना बनेगा, तो मैं इस रिएक्शन से बता सकता हूं कि भाई इसके एक मोल से इसका तीन मोल रिएक्ट करके इसका दो मोल दे रहा है, तो इसके 10 से इसका 30 रिएक्ट करके इसका 20 मोल हमें देगा। तो मैं ऐसे आंसर बता सकता हूं कि भाई जितना मिलेगा 20 मोल मिलेगा, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और जितना भी अमाउंट इनका चाहिए था वो क्या है भाई, अमाउंट जो है प्रेजेंट है, ठीक है, रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए इनका अमाउंट प्रेजेंट है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसका तो अमाउंट रख देता हूं भैया 10 मोल, ठीक है, इसका अमाउंट में रख देता हूं 10 मोल और मैं इसका अमाउंट मोल देता हूं कितना है 15 मोल है। अब मैं पूछ रहा हूं इसका अमाउंट मुझे चाहिए, अगर मेरी रिएक्शन जो है, रिएक्शन जब स्टॉप हो जाती है, व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स, मतलब जो है जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई रुक जाएगी, तब व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ NS3, ठीक है भाई, ये मैंने अमाउंट ले रखा है इसका 10 मोल इसका 15 मोल। अब मैं बोल रहा हूं रिएक्शन चली चली किसी टाइम पे तो रुकेगी, जब भाई रिएक्शन रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे, रिएक्शन रुक जाएगी, तो उस टाइम पे अमोनिया के कितने मोल मुझे मिलेंगे। तो अब तक देखिए, अब तक हमने जो जाना था इसके 10 मोल से इसके रिएक्शन के लिए इसका 30 मोल प्रेजेंट होना चाहिए था, तब रिएक्शन क्या हो जाएगी भाई, कंप्लीट हो जाएगी और इसका 20 मोल मुझे मिलेगा। लेकिन अब सीन ऐसा नहीं है, अब देखिए, अब इसके 10 मोल के लिए इसका कितना मोल चाहिए था हमें, इसका 30 मोल चाहिए था, ठीक है, लेकिन अब इसका प्रेजेंट कितना है, 15 मोल ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका क्या है, ये जो है ये H2 क्या भाई, कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जितना रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए चाहिए था उससे कम, इसी को बोलेंगे यहां पे हम लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलेंगे यहां पे भाई, इसको हम बोलेंगे, इस H2 को क्या बोलेंगे भाई, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग
रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट क्यों बोलेंगे, देखिए अब जो है इसका अमाउंट कम है तो पहले तो ये रिएक्शन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अब तक बात कर रहा था कि इसके तीन मोल से इसका एक मोल बनता है, इसके तीन मोल से इसका एक मोल बनता है, तो इसके 15 मोल से, अगर मान लीजिए इसका 15 मोल खत्म हो गया तो इसका कितना मोल बनेगा, इसका कितना मोल बनेगा, इसका 5 मोल जो है इसका रिएक्ट करेगा, सॉरी इसके तीन मोल से इसका एक मोल रिएक्ट करता है तो इसके 15 मोल से इसका कितना रिएक्ट करेगा, 5 मोल रिएक्ट करेगा, और बचेगा कितना भाई, ये 5 मोल ही मेरा बच जाएगा। आ रही बात समझ में? अब जो है रिएक्शन को गवर्न करेगा हाइड्रोजन, क्योंकि इसका जैसे ही अमाउंट खत्म होगा रिएक्शन रुक जाएगी, रिएक्शन भाई वहां पे रुक जाएगी, इसलिए रिएक्शन को गवर्न कर रहा है H2, और इसका जो है अमाउंट एडिक्वेट अमाउंट से कम है, इसलिए इसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये रिएक्शन को लिमिट कर रहा है, रिएक्शन रुक रही है इसी की वजह से, अगर इसका अमाउंट और ज्यादा होता तो रिएक्शन और आगे जाती, ठीक है। तो यहां पर यह क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, और इस पे जो है इसका 5 मोल जो है बचा रह जाएगा, इसका N2 का 5 मोल बचा रह जाएगा, क्योंकि इसके 15 से इसका 5 मोल ही रिएक्ट करेगा, और अब अमोनिया का कितना अमाउंट फॉर्म होगा वो जो है N2 डिसाइड नहीं करेगा, कौन डिसाइड करेगा इसको, H2 डिसाइड करेगा कि अमोनिया का कितना मोल बनेगा, क्योंकि रिएक्शन को रोक यही रहा है। तब देखिए अब इसके 3 मोल से इसका 2 मोल बनता है, इसके 3 मोल से जब इसका 2 मोल बनता है तो इसका जब 15 मोल खत्म हो जाएगा तो इसका कितना मोल बनेगा भाई, इसका 10 मोल जो है बनेगा, ठीक है भाई, इसके भाई 3 से 2 बनता है तो इसके 15 से इसका 10 ही बनेगा। तो यहां पे जो है अमाउंट किसकी वजह से ये डिटरमाइन हुआ, H2 की वजह से, और H2 क्या है यहां पे, लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है भाई। ये थे, ये ही होता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं लिमिटिंग रिएजेंट को लिखने की कोशिश करूं, रिएजेंट तो क्या होगा, द रिएक्टेंट which is present in lesser amount, ठीक है, और in sufficient amount, insufficient amount, ठीक है भाई। तो जितना हमें चाहिए था अमाउंट उतना प्रेजेंट नहीं है तो वो रिएजेंट क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। यहां पे तो लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन था, अगर मैं केस को पलट दूं, अगर मैं इस केस को पलट देता हूं और मैं कह देता हूं इसका जो है मैंने ले लिया 30 मोल भाई, ले लिया मैंने, ठीक है, लेकिन इसका मैं ले रहा हूं 5 मोल, ओके। तो अब सीन क्या होगा, देखो अब क्या था भाई, अब इसका तो पूरा मुझे पता है, इसके एक मोल से इसका 3 मोल रिएक्ट करता है, तो इसके जो है 5 मोल से इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा, इसका 15 मोल रिएक्ट करेगा, और 15 मोल क्या होगा भाई, बचा रह जाएगा। अगर अब मैं बात करूं अमोनिया कितना बनेगा, तो अब अमोनिया की फॉर्मेशन कौन डिटरमाइन करेगा, N2 डिटरमाइन करेगा, क्या करेगा, N2 डिटरमाइन करेगा, क्योंकि N2 जो है कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जैसे ही इसका 5 मोल खत्म हुआ रिएक्शन क्या हो जाएगी भाई, रिएक्शन रुक जाएगी, क्योंकि N2 तो है ही नहीं, तो N2 यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। और अमोनिया के अमाउंट को भी यही डिटरमाइन करेगा कि अमोनिया कितना फॉर्म हुआ है, तो इसके 1 मोल से इसका 2 मोल फॉर्म होता है, तो इसके 5 मोल से इसका 10 मोल फॉर्म होगा, ठीक है भाई। तो ये था भाई लिमिटिंग रिएजेंट। इस पे जो है एक प्रॉब्लम और करते हैं, इसको जो है समझ लेते हैं। तो देखिए अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है, कि Mg प्लस O2 रिएक्ट करके MgO बनाते हैं, ठीक है भाई। और यहां पे दिया हुआ है कि इसका इनिशियली जो है 48 ग्राम, इसके भाई 48 ग्राम से रिएक्ट करता है, और पूछ रहा है कि इसका कितना अमाउंट बनेगा, जब रिएक्शन भाई मेरी कंप्लीट हो गया फिर रुक जाएगी, तो इसका कितना अमाउंट बनेगा MgO का। तो देखिए, तो यहां पे जब मुझे पता है, अगर मेरा क्या दिया हुआ है, तो वेट दिया हुआ है, ठीक है, तो वेट को सबसे पहले हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, मोल में, क्योंकि रिएक्शन हमेशा हमें मोल से डील करनी है। तो Mg का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, मॉलिक्यूलर मास Mg का, ये कितना होता है भाई, 24 ग्राम पर मोल, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 ग्राम, सॉरी O2 का होता है 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो अगर यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें, तो इसका कितना है भाई, 2 मोल प्रेजेंट है, और इसका कितना मोल प्रेजेंट है भाई, 1.5 मोल प्रेजेंट है, क्योंकि 32 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 क्या होगा, 48 ग्राम होगा, और ये हमें नहीं पता है। अगर अब जो मेरी रिएक्शन चली, तो अब देखिए, इसके एक मोल से इसका एक मोल रिएक्ट करके इसका एक मोल बनाता है,
तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए इसके दो मोल से, इसके दो मोल ये करना चाहिए था, इसके दो मोल देना चाहिए था, लेकिन इसका दो मोल तो प्रेजेंट है नहीं, ठीक है, इसका जो है अमाउंट कम है, तो सबसे पहले खत्म कौन होगा, सबसे पहले खत्म होगा ऑक्सीजन, सबसे पहले किसका कंजप्शन होगा, ऑक्सीजन जो है रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा और रिएक्शन जो है वहां पे रुक जाएगी। तो यहां पे ऑक्सीजन क्या हो गया भाई, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ठीक है भाई। और यहां पे अब देखिए, अब इसका जब डेढ़ मोल खत्म हो जाएगा तो इसका भी कितना, डेढ़ मोल रिएक्ट कर जाएगा और इसका बचेगा कितना, 0.5 मोल बचेगा। और चूंकि इसके एक मोल से इसका एक मोल बनता है, तो इसके भी एक मोल से इसका कितना, डेढ़ मोल से कितना बनेगा इसका, 1.5 मोल बन जाएगा, ठीक है, MgO का 1.5 मोल बनेगा। अगर अब मुझे इसको मोल में पूछे या फिर ग्राम में पूछे तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर इसको ग्राम में भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऐसे सॉल्व करने हैं भाई लिमिटिंग रिएजेंट्स के प्रॉब्लम। अगर आप देखिए, अगर अमाउंट कम दिया हो तो वहां पे रिएक्शन कौन गवर्न करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन को गवर्न करेगा। जैसे यहां पे ऑक्सीजन ने डिटरमाइन किया कि MgO कितना बनेगा, यहां पे Mg ने डिटरमाइन नहीं किया, ठीक है। तो ये रहा लिमिटिंग रिएजेंट।